पिछले 24 घंटों में झारखंड में आंशिक बादल देखे गए हैं और साथ साथ कुछ कुछ जगह में बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश भी देखी गई है। अब पिछले 24 घंटों में जो सबसे अधिक जो दिन का तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो चाईबासा में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और सबसे कम जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 14.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि ये मौसम ऐसा क्यों है। इस मौसम का कारण ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ नॉर्दर्न इंडिया में है और उसके कारण एक इंड्यूस्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको इंड्यूस्ड पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, वो उत्पन्न हुआ है और साथ साथ में एक अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया भी बना हुआ है। तो वहां से जो मॉइस्चर है वो इस लो प्रेशर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में पास में बना हुआ है वहां पे मॉइस्चर इनकर्सन हो रहा है और साथ साथ ये जो वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड है इसके कारण थोड़ी सी जो मॉइस्चर जो फ्लो है वो झारखंड की तरफ भी हो रही है, जिसके कारण थोड़े बादल बन रहे हैं और कुछ जगह पे छिटपुट बारिश भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। तो मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है, अगले आने वाले 3 दिन 14, 15, 16 झारखंड में, खासकर उत्तरी और मध्य झारखंड में कुछ कुछ जगह पे हल्के दर्जे की बारिश भी देखी जा सकती है और साथ साथ आंशिक बादल भी झारखंड में देखने को मिल सकते हैं। 17 से मौसम साफ होने की उम्मीद है और 17 से फिर जैसे ही ये सिस्टम साफ हो जाएगा और आपका तापमान गिरने की भी अच्छी संभावना है, और 18 तारीख से आपको सुबह में धुंध भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष है कि अगले 2-3 दिन में झारखंड में जो मौसम है इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा आंशिक बादल रहेंगे दिन में और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और जो तापमान में है उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।